तुम्हें पकड़ने की कला सीखनी चाहिए मोगली। ये देखो बघीरा कितनी सफाई से चीजें पकड़ता है। नहीं, बघीरा के दांतों से वो टमाटर पिचक जाएगा। देखते हैं। एक निशान तक नहीं पड़ा। अब मेरी बारी। जरा दिखाओ अपना कमाल। तो तैयार हो मोगली? बिल्कुल तैयार। ये कहां से आ गए? दूर हटो। ये बताओ कहां है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये मुझे कैसे पता होगा? पर है तो वो तुम्हारा दोस्त ना। पर तुम का को क्यों ढूंढ रहे हो बंदरों के सरदार? क्योंकि उस बदबूदार अजगर ने हमारा एक बच्चा खा लिया है। का ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। अपने दोस्त की करतूत पर यकीन नहीं? पर ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मोगली को वाकई उसके बारे में कुछ नहीं पता। मान लिया, पर अगर वो दिखे तो बता देना कि वो कहाँ है। उसकी मदद मत करना, हम भी नजर रखेंगे। और एक बार वो हाथ लगा। दोस्तों, तुम्हें लगता है का ने एक बंदर का बच्चा खा लिया होगा? का को भूख लगती है तो वो कुछ भी खा लेता है। इस बात का पता तो एक ही तरीके से चल सकता है। इन बंदरों से पहले हमें का को ढूंढना होगा। पर इस घने जंगल में हम एक अजगर को ढूंढेंगे कैसे? अरे हाँ, मुझे बताइए काम कौन कर सकता है? क्या वो कहीं दिख रहा है डार्जी? अरे हाँ हाँ। डार्जी, भूल गई ना हम क्या ढूंढ रहे हैं? काको, मुझे पता है, मैं तो बस इन खूबसूरत फूलों के पास चली आई। डार्जी, याद रखो उन बंदरों से पहले हमें काको ढूंढना है। अरे हाँ हाँ, वो भी तो वहाँ पर है। मैंने सोचा क्यों ना पहले तुम्हें एक फूल ही दिखा दूँ। डार्जी, इसकी सांसों की आवाज ने तो दिमाग में दर्द ही कर दिया है। लगता है इसने सच में बंदर का बच्चा खा लिया है। इसके पेट में कोई और जानवर भी हो सकता है बघीरा। ये जरूरी नहीं कि अंदर बंदर का बच्चा ही है। बात तो सही है मोगली, लेकिन इसका जवाब तो एक ही जनाब दे सकते हैं। का उठो का। का, सुबह हो गई मामू। उठो ना, तुमसे एक बात पूछनी है। अच्छा खाना खाने के बाद ये बड़े चैन की नींद सोता है, खासकर बंदर खाने के बाद। अच्छा दोस्तों, क्यों ना हम उस बंदर के बच्चे को ढूंढ निकाले और ये साबित कर दे कि काने उसे नहीं खाया। सही कहा, मैं डार्जी के साथ यहीं तैनात हो जाता हूँ, तुम ढूंढने जाओ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। ज्यादा देर मत लगाना मोगली, अगर बंदरों ने देख लिया कि हम इसे छिपा रहे हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल। अभी लौटेंगे बलू, आ जाओ बघीरा। बलू, बंदर यही आसपास है। बलू, पेट गुड़गुड़ कर रहा है, तो चुप कराओ ना उसे। काश का की तरह मुझे भी सुबह सुबह कुछ खाने को मिल जाता। पर कुछ तो करो वरना बंदरों को पता चल जाएगा। कुछ खाने को मिल जाए तो ये गुड़गुड़ रुक जाएगी। इतना ही मन कर रहा है तो उन्हें इनविटेशन देके यहीं बुला लो। ये आवाज तो बंदर के बच्चे की है। देखो वो रहा। ओह, वो तो फंदे में फंसा है। चलो ये बात अच्छी है कि ये जिंदा है। हाँ? पर अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है।
हमें कुछ करना होगा बघीरा। मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या करना है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। भर गया पेट। चलो अब तुम्हारी पेट की गुड़गुड़ तो बंद होगी। हटाओ ये पत्ता। पलू इसे चुप कराओ ना, इसे नींद में इतनी नौटंकी करनी जरूरी है क्या? पलू बलू, तुमने काकी मदद की? वो हमने तो नहीं, वो वैसे इस बात का कोई सबूत भी नहीं कि का ने ही तुम्हारे बच्चे को खाया है। सबूत तो उसके पेट में फूला पड़ा है बल्लू के बच्चे। उठो भी, उठ भी जाओ का। मोगली कहाँ हो तुम? बंदर के मुकाबले भैंसे को खाने में ज्यादा मजा आएगा। रुक जाओ शेर खान, उस भैंसे को पहले मैंने देखा है, वो मेरा शिकार है। रहने दे बघीरा, तुझे भैंसा पचेगा नहीं, इसलिए भागने की तकलीफ भी मत कर। रुको! शायद तुम्हारा बच्चा यहाँ है। छोटू आ गया, हमारा बच्चा जिंदा है। सब हो क्या रहा है? कोई मुझे चैन से सोने देगा? अभी अभी खाना। तो अगर तुमने बंदर के बच्चे को नहीं खाया तो फिर तुमने खाया क्या? ये सांप इतने गंदे क्यों होते हैं? मैंने कहा था काने नहीं खाया, किसी ने मेरी बात मानी ही नहीं। तो का तुमने लकड़ी का टुकड़ा क्यों खाया? हा? अरे इसी पर तो वो बंदर का बच्चा बैठा था जिसे मुझे खाना था, पर वो भाग गया। अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मेरी भूख बढ़ गई है। ऐसे क्या देख रहे हो? देख लिया, एक भूखा अजगर कुछ भी खा सकता है। फिलहाल कोई नारियल खाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। मैं आ रही हूँ मोगली। शायद
डरपोक इंसानी बच्चा कहीं का। कितनी बार समझाया है बेवजह मधुमक्खियों से मत उलझा करो। मेरी मदद करो बलू। मैं कब तक तुम्हारी बेवकूफियां सुधारूंगा? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे मौकों के लिए मैं हमेशा अपने पास लहसुन की पत्तियां रखता हूँ। शुक्रिया बलू, मुझे बहुत भूख लगी थी और छत्ता शहद से भरा हुआ था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। शहद लेना पेड़ से फल तोड़ने जैसा नहीं है मोगली, पता नहीं तुम्हारा बचपना कब जाएगा। मैं बच्चा नहीं हूँ, वो तो मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना मैं बहुत समझदार हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ। सच में? ठीक है, तो चलो आज देख लेते हैं। ये बताओ कि मंगूस का पसंदीदा खाना क्या है? मेंढक। सही जवाब। अच्छा, तो अगला सवाल थोड़ा मुश्किल पूछूंगा। ये बताओ कि सांप अपना जहर कहाँ से छोड़ते हैं? मेरे ख्याल से अपने दांतों से। सही जवाब, शाबाश। पर ये तो आसान सवाल थे, अब मैं पूछने वाला हूँ असली सवाल और सबके जवाब तुम्हें बिना किसी मदद के देने होंगे। हाँ हाँ, कुछ भी पूछ लो। जाकर शेर खान को ताजा खबर देता हूँ। दो कुकुरमुत्ते दोनों का रंग ढलते सूरज की तरह होता है यहीं आसपास उगते हैं। उन्हें जहरीले होने की वजह से खा नहीं सकते, पर उनमें से एक को छुआ तो आपको खुजली होने लगती है। उन्हें ढूंढ कर बताओ उनमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक है। हाँ, जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूँ मोगली? हाँ, पर मेरी मदद बिल्कुल मत करना। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखूंगी। कहाँ है? मुझे तो मोगली नहीं दिख रहा। वो उस तरफ गया है। हा? जल्दी जाकर देख कहीं वो बूढ़ा बलू उसके साथ तो नहीं, और मुझे पक्की खबर चाहिए, भूख के मारे तड़प रहा हूँ। मैंने यही आसपास देखे थे कुकुरमुत्ते। मुझे कुछ दिख गया मोगली, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। नहीं, कहा था ना मुझे मदद नहीं चाहिए, और अब तुम कुछ मत बोलना, समझी? तो यहाँ हो तुम, वो भी अकेले। मेरे ख्याल से ये वाला अच्छा है। ये सही जवाब है। मजा आया, मजा आ गया। पर ये बताओ तुमने इस वाले को क्यों चुना मोगली? क्योंकि इसे कुछ जानवरों ने कुरेदा हुआ है और दूसरों को तो किसी ने छुआ तक नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, ये टेस्ट तो तुमने पास कर ली। अब थोड़ा और मुश्किल सवाल हो जाए, तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब खराब कुकुरमुत्ते की तरफ जाओ और उनमें से किसी एक को छू कर दिखाओ। जाओ जाओ। अब क्या होगा? मेरी उंगली में खुजली हो रही है बलू। ये तो लाल हो गई। अब तुम्हारा आखिरी टेस्ट शुरू होता है, तुम्हें अपनी उंगली ठीक करनी है और इलाज जंगल में ही ढूंढना है। ढूंढ लूंगा, मैं भी चलूंगी। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। मैंने जो सुराग दिए हैं उन्हें देखो और सूरज ढलने से पहले मुझे यहीं आकर मिलो, मैं यहीं मिलूंगा। मैं भी यहाँ क्या करूँगा, चुपके चुपके मोगली के पीछे ही चला जाता हूँ। देखो डाजी, बलू शायद उस पत्थर की तरफ इशारा कर रहा होगा, उसका एक सुराग है ना कछुए के पास। बत्तू है। और तेज महक वाले सुराग का मतलब है हमें इस महक का पीछा करना चाहिए। वहाँ उस तरफ चलो, चलो। आज कुछ काम किया तूने गीदा, आज मोगली को अकेले में दबोच लूंगा। ये बलू यहाँ क्या कर रहा है? तूने तो कहा था मोगली अकेला ही निकला है। निकला तो अकेले ही था मालिक, पर ये बल्लू जिद्दी दाग की तरह उसे चिपका रहता है। इसे तो मैं देखता हूँ, आप बस इंसानी बच्चे का इंतजार कीजिए, वो खुद चलकर आपके पास आएगा। ये तेरा आखिरी मौका है गीदा। इसके आगे कहाँ जाए? आगे तो रास्ता बंद है, अब हम क्या करें डाजी? शायद हम दूसरे रास्ते आ गए हैं। नहीं डाजी, यहाँ तो महक और ज्यादा आ रही है। बलू ने कहा था महक के पीछे पीछे खुफिया जगह तक चले जाओ। हाँ?
बहुत अच्छे मोगली, तुम्हें बस अपनी नाक पर भरोसा रखना है। शहद। ताजा ताजा शहद लगता है। वाह, हम पहुंच गए। हमें इसी की तो तलाश थी दासी। हम इतनी दूर इस पीले पानी की तलाश में आए हैं। छी, कितनी गंदी बदबू है। दासी, यही तो इस पानी की खासियत है। यह आम पानी नहीं है, इससे मेरी उंगली ठीक हो जाएगी। सच में? क्या बात है। यह मैंने टेस्ट पार कर लिया। अब तो बलू को मानना होगा मैं बड़ा हो गया हूँ। कौन है, किसने दरवाजा बंद किया? कितने भोले हो तुम बलू, मेरे बिछाए शहद के जाल में बड़ी आसानी से फंस गए। बाकी समझ में नहीं आता तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कभी नहीं, तुम अब मेरे कैदी हो। तुम्हें मान गया टबाकी, क्या शातिर चाल चली है तुमने। मुझ जैसे दिमाग वाले भालू को भी चकमा दे दिया। टबाकी, मेरा थोड़ा गला सूख रहा है, क्या तुम मुझे नारियल पानी पिला सकते हो? बड़ा एहसान होगा। मैं गीदड़ हूँ, गधा नहीं। यहाँ से निकलने की तो भूल ही जाओ बलू। ऐसे हालात में मोगली क्या करता ये सोचो। बलू, हम आ गए। पर बलू तो कहीं गायब हो गया है। तुम ठीक तो हो टबाकी? कब से देख रहा हूँ खुजली किए जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, तुम्हें कोई बीमारी हो गई क्या? है कैसी बीमारी? और क्या, कहीं तुम किसी जहरीले मेंढक या जंगल में उगे कुकुरमुत्ते के पास तो नहीं गए थे? ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। ओहो, तुम तो कांप रहे हो, दिक्कत बड़ी है। जल्दी से अंदर आओ, मैं तुम्हें जांच लेता हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। कुछ करो ना बलू, मैं बेहोश हो रहा हूँ। मुझे बाहर तो निकालो, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी रुको, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तबाकी, बस थोड़ी सी एलर्जी है। क्या बात है शेर खान, बड़े थके थके लग रहे हो। मुझे ललकारते हो, हिम्मत तो बड़ी है तुम में पर अक्ल की कमी है। अब बोलो किसमें ज्यादा अकल है शेर खान। शुक्र है तुम ठीक हो मोगली। देखो मेरी उंगली, मैंने टेस्ट पार कर लिया। बहुत अच्छे मोगली, ये हुई ना बात। जो पीला पानी तुमने ढूंढ निकाला है वो प्राकृतिक सल्फर का स्रोत है, जिससे त्वचा की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। पर इससे बदबू बहुत आती है। पर तुम्हें क्या हो गया था बलू? वो मैं गलती से तबाकी के झांसे में फंस गया था। लगता है अब तुम्हें मेरा टेस्ट लेना चाहिए। तुम्हारा टेस्ट मैं लूंगी, मैं तुम्हें सुराग भी दूंगी। जल्दी से वो पीला पानी ढूंढ वरना। मैंने सुना था वो यही कहीं आसपास है मालिक। कितने दिनों से नहाया नहीं ये बता तू। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा